नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल, उसको कैसे खोलते हैं, पूरा ओपन करने का तरीका बताऊंगा और खोलने के बाद उसमें कैसे काम किया जाता है वो बताऊंगा। तो देखते रहिए। ये देखिए, ये एक जियो का कीपैड वाला मोबाइल है। इस मोबाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले हमें मोबाइल को ओपन करना आना चाहिए। कैसे ओपन करना है तो मोबाइल को ऐसे हाथ में पकड़ना है और नीचे इसमें एक कट दिया रहता है, यहाँ अपना नाखून, ये आपको दोनों अंगूठों के नाखून थोड़े थोड़े बढ़ा के रखने पड़ेंगे। ये हमारे मुख्य हथियार होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। तो इसको यहाँ फंसाया और धक्का मार दिया, ये खुल गया, ये इसका बैक ओपन हो गया, इसको बोलते हैं बैक। ये बैटरी के लिए यहाँ पर निशान दिया हुआ है, यहाँ से ओपन करेंगे बैटरी, ये बैटरी ओपन हो गई। अब इसको ऐसे पकड़ के नीचे एक दरार होती है, ये सारे पेज खोल देंगे, मैंने पहले से खोले हुए हैं। इसमें अपना नाखून फंसाएंगे और उसको नाखून को यूँ रगड़ते चले जाएंगे ऊपर, ये चारों तरफ, तो ये ओपन हो जाएगा, ये मोबाइल खुल गया। हर मोबाइल को खोलने का एक ही तरीका है, ये खुल गया। अब ये इसका फ्रंट खुल गया, ये बैक खुल गया। अब ये मिडिल, इसको बोलते हैं क्रोम, जिसमें पीसीबी लगी रहती है, डिस्प्ले लगी रहती है, इसको खोलेंगे। नीचे से थोड़ा खोला, थोड़ा इधर से खोला और ये ओपन हो गया, ये मदरबोर्ड हमारे हाथ में आ गया। ये मदरबोर्ड है, ये कीपैड है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कीपैड, जो बाहर से बटन दबाए जाते हैं उनको एक्सटर्नल कीपैड बोलते हैं, और जो अंदर ये पत्ता चिपका हुआ रहता है इसको बोलते हैं इंटरनल कीपैड, ये इंटरनल कीपैड है। ये डिस्प्ले है, ये पूरा पीसीबी है, ये पीछे स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर दो होते हैं इसमें, एक ये स्पीकर लगा हुआ है, ये कान में जो सुनने वाली आवाज़ आती है वो आवाज़ इससे आती है, और रिंगटोन या गाने की आवाज़ इससे आती है, इसको रिंगर भी बोलते हैं, ये स्पीकर ये रिंगर। और जहाँ से अपनी आवाज़ जाती है बोलने वाली, हर मोबाइल में आगे की साइड एक छोटा सा छेद बना होता है, सुई की नोक जैसा, ये देखिए ये बारीक सा छेद बना है। इसके जस्ट पीछे लगा होता है माइक, इससे अपनी बोलने वाली आवाज़ जाती है। तो तीन चीज़ें, एक स्पीकर सुनने वाली आवाज़ जहाँ आती है, ये स्पीकर, ये यहाँ टच होता है, ये स्पीकर के पॉइंट हैं, बोलने वाली आवाज़ जिससे जाती है वो माइक, गाना या रिंगटोन की आवाज़ जहाँ से आती है वो होता है रिंगर। ये तीन, स्पीकर रिंगर माइक, और जिस चीज़ से कंपन होता है वो होता है वाइब्रेटर, किसी मोबाइल में नीचे लगा होता है, किसी में ऊपर लगा होता है, वो आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे इस मोबाइल में ये लगा हुआ है, ये एक मोटर होती है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक साइड से इसमें वजन लगा होता है और एक साइड से प्लेन होती है, ये एक साइड वजन रहता है, एक साइड प्लेन, और इस पर जैसे ही सप्लाई आती है ये ज़ोर से घूमती है। अब अगर पंखे की एक पंखुड़ी को निकाल दिया जाए तो वो जो हिलने लगेगा, बस वही ये कंपन पैदा करती है जिससे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेटर कहलाता है।